हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में, जहां हम सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड बीवीएम अप्रोच फॉर द रिपोर्ट ऑटोमेशन। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरी वीडियो पहली बार देखा है, जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का जो अपडेट्स है, ताकि जब जैसे गूगल आप खोले तो होम पेज पे मैं नए नए वीडियो जिसमें अपलोड करूंगा आपको दिखता चला जाएगा। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं आज की इस टॉपिक में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कस्टम लिस्ट कैसे आप क्रिएट करोगे। कस्टम लिस्ट, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे अपना एक्सेल के अंदर में, मैंने मान लीजिए कि संडे लिखा, और संडे के जैसे मैं नीचे की तरफ ड्राउन करता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं संडे मंडे ट्यूजडे इस तरह से आ जाता है। ऐसे ही अगर मैं जनवरी लिख के नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो जैन फैब मार्च अप्रैल मई आ जाता है। और ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं किसी टीम मेंबर का, अपने टीम मेंबर का नाम लिखता हूँ, और नाम लिख के नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो देखिए टीम मेंबर के नाम आ जाते हैं। तो ये कैसे आया? क्योंकि क्या होता है, कई सारे हमें कभी कभी बहुत सारे लिस्ट बार बार कॉपी पेस्ट करने पड़ते हैं या टाइप करने पड़ते हैं, तो इस तरह के लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। कहाँ से? कस्टम लिस्ट से। एक्सेल ऑप्शन पे जाइए और एडवांस पे क्लिक कीजिए, और सबसे नीचे आप आइए और यहाँ एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए बाई डिफॉल्ट जो होता है संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे इस तरह से लिखा हुआ है, और जनवरी फरवरी है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से कितने क्रिएट कर रखे, ये देखिए दिल्ली नोएडा ये हमने क्रिएट कर रखा। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आप सिटी लिस्ट पे जाइए और यहाँ पे एक एक लिस्ट आप ऐड कीजिए। जैसे कि मैं कैपिटल लिस्ट ऐड करता हूँ न्यू दिल्ली, काठमांडू, ढाका, इस तरह से इसको ऐड कर लीजिए एंड ओके। तो अब मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखूंगा और ड्रैग करूंगा, तो बाकी तीन भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आगे अभी जरूरी नहीं कि आप न्यू दिल्ली से स्टार्ट करो, कहीं से स्टार्ट करोगे, जहां से स्टार्ट करोगे आपका रिजल्ट वहां से बनना, वहां से आना शुरू हो जाएगा। और इसका इस्तेमाल हम सॉर्टिंग में भी करते हैं, एक सीक्वेंस में, कि आप अल्फाबेटिक सॉर्ट नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सीक्वेंस बेस पे सॉर्ट हो, तो यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिए, और इसी तरह से नए नए चीज़ आपको मैं बताता रहूँगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चाहो तो हमारे डीवीडी भी परचेज कर सकते हो, और आप हमारी लाइव क्लासेस भी ले सकते हो। डिटेल्स के लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे चले जाएं, या फिर मुझे कॉल करें। और इन फ्यूचर में कभी भी आपको एक्सेल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मेरा नंबर सेव कर लीजिए, और फील फ्री हो कि मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, स्काइप कर सकते हैं। मैं टाइम निकाल के आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।